हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में और इससे पहले जो अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, जितने भी क्वेश्चन हैं सब व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैथ की नहीं है, ये रीजनिंग की है। जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है व्यापम की, वो भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा 5-10 मिनट का टाइम निकाल के। आप वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। प्रत्येक क्वेश्चन हर वीडियो में अलग अलग होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है लुप्त अक्षर संख्याओं को चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे करते हैं। इसके गिन लिए जाते हैं पेयर कितने हैं। सबसे पहले उनको गिन लिए जाते हैं। देखिए, जैसे इसको मैं बड़ा करके बताता हूँ आपको। अगर इसमें 3 की गुणजमेय है कि 4 की गुणजमेय कि 5 की गुणजमेय कि 6 की गुणजमेय, ऐसे देखो। जैसे कि कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए, 4 यानी 16 अक्षर हैं इस पूरे में, यानी जो जहां पर नील है, डैश है ना, उसको भी मैंने काउंट किया है, याद रखना है ना। तो 16 है, तो 16 है, तो 4 4 की श्रेणी में बनेगी। देखिए, 3 का गुणज तो है नहीं है, 16 4 का है, तो 4 4 के पेयर में हम इनको बांट लेंगे। जैसे कि देखिए, 4 है ना, और 4, और इधर 4 और 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या सीरीज बन के आ गई, हम उसको देखते हैं। देखिए, मैं आपको बना के बताता हूँ किस प्रकार से सीरीज हमारे पास आ गई। देखिए दोस्तों, मैंने आपको स्क्रीन पर एक बना दी है, और 4 4 के जोड़ों में हमने इनको बांट दिया है। ठीक है, 4 4 के जोड़ों में मैंने इसको बांट दिया है। अब आप ये ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि देखिए, प्रत्येक पेयर में बी के बाद सी है। देखिए, बी के बाद सी है ना, बी के बाद सी है, बी के बाद सी है, भैया बी के बाद सी आना है, हमने इधर सी भर दिया है। ठीक है, बी के बाद क्या आना है, सी आना है, तो हमने इधर सी भर दिया है। देखिए, इधर भर दिया है सी। ठीक है, अब देखिए, अब प्रत्येक पेयर में ऑब्जर्व कीजिए कि डबल सी के बाद ए है। देखिए, इधर डबल सी के बाद ए है, डबल सी के बाद, डबल सी के बाद, तो ए आना है इधर, ए इधर सी आ जाएगा। मतलब हमको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, जैसे ही आप पेयर बनाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बनना क्या है। देखिए, इधर आपने क्या भरा, इधर ए भरा, इधर सी भरा, इधर ए भरा और इधर सी भरा, तो एसी एसी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा उसको आगे बढ़ाएंगे, आंसर अपने आप ही उसको दिख जाएगा आपको। अब देखिए दोस्तों, अब आपका अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से। देखिए कि यदि यदि फ्यूनोल को OGDMN के से कोडित किया जाता है, तो इसको हाइड्रोजन को कैसे कोडित किया जाएगा। इसमें बस कुछ नहीं है, आप ये ऑब्जेक्ट दीजिए, फ्यूल मतलब पी का माइनस वन कर देंगे अगर हम, माइनस वन, तो ओ आ जाएगा माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, मतलब प्रत्येक अक्षर का माइनस वन किया है। तो हाइड्रोजन का जो जो हाइड्रोजन के अक्षर है उनको भी माइनस वन कर देंगे अगर हम। ठीक है, जैसे एच में से माइनस वन करेंगे तो जी आ जाएगा, वाई में से माइनस वन करेंगे तो एक्स आ जाएगा, बी में से माइनस वन करेंगे तो सी आ जाएगा। इस तरह से आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपका आंसर ई आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिससे आपको ज्यादा टाइम ना देना पड़े और तुरंत आपको क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, आपको बेसिक नॉलेज तो है ही, बस आपको थोड़ा क्या रिवीज करना है ना, उसी वही मैं आपको करवा रहा हूँ। इतने भी क्वेश्चन है ना, जेएमपी प्लस से ही लिए गए हैं। देखिए, जैसे पिक्चर को इस तरह से कोडित किया जाता है, तो मिक्सचर को किस तरह से कोडित किया जाएगा, कुछ नहीं किया उनने। जैसे पिक्चर है, PICTURE, आप टाइम निकाल के देख लेंगे, तो पेन को भी की लेने की जरूरत नहीं है, केवल आप बस देखते जाना है, तो आपको जो चीजों को आसान हो जाएगा करना। CIPTERU, इसको कुछ नहीं किया है, टी तो जो है एज वेल एज उनने रखा है, इसको इधर भेज दिया, इसको उधर, वो आई का आई उधर, इसको उधर, इसको उधर, आई का इधर। और ऐसे ही हम अगर मिक्सचर में कर देंगे ना, जैसे MIXTURE, तो बस सेम टू सेम, एक्स जैसे टी है, टी को टी ही रखेंगे, एक्स को इधर, एम को इधर, वाई को इधर, ई को इधर, यू को इधर, है ना, ओ आर को इधर, तो आपके पास जे निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानना है। देखिए भैया, गलत संयोजन को कैसे पहचानेंगे, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए कि डिफरेंस इनमें क्या है। जैसे कि 121 और फिर दिया गया है आपको 143, फिर दिया गया है आपको 166, फिर दिया गया है आपको 187, फिर दिया गया है 209, इसको कैसे निकालेंगे। इसमें डिफरेंस देखिए क्या है, 22 का। इसमें डिफरेंस कितने का है, 6 में से 3 घटाया 3, 16 में से 16 माइनस 14 तो 2 आ गया। इसमें डिफरेंस कितने का है,
में से 16 एक, और जी आ गया आपका दो, इसका डिफरेंस कितने का है, दो, और 20 में से दूर 22, तो 22 23 21 22, यानी कि इन दोनों के देखो इधर इसका डिफरेंस 22 है और इसका डिफरेंस 22 है, तो हमें एक पता चल रहा है कि डिफरेंस 22 का ही है, यानी कि 166 इसमें गलत। अगर आप 187 को गलत नहीं मान सकते, इसमें अगर आप 166 है आंसर, तो 166 की जगह आना है कितना, 165, क्यों आना है, जैसे ही आप 165 रखेंगे तो इसका इसका डिफरेंस 22 आ जाएगा, इसका डिफरेंस भी 22 आ जाएगा, मतलब 22 22 का डिफरेंस चलना है, समझ गए आपने। जैसे आप थोड़ा भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से बन जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंस निकाल के। और भी क्वेश्चन लिए गए हैं, जैसे कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए फिर डबल ए बी फिर ट्रिपल ए डबल बी और सी, इसमें तो बहुत सिंपल है, अब की बार जो होगा वो 4 ए होंगे है ना, ट्रिपल बी होगा वो 1 सी होगा, सॉरी डबल सी होगा और 1 डी होगा, ठीक है, डबल सी होगा और 1 डी होगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए लुप्त संख्या चुनकर पूरा कीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया, 22 दिया गया है ना, 22 डी दिया गया है आपको, 22, फिर दे दिया गया है आपको क्या 15, फिर दे दिया गया है 8, फिर दे दिया गया है 1, फिर डैश, फिर -13, ठीक है, इसमें आप बस कुछ नहीं करना है, आप देख रही है रहा होगा इसका डिफरेंस है -7 का, इसका है -7 का, इसका है -7 का, यानी कि अब जो संख्या आएगी उस पर भी -7 का होगा, एक में से हम -7 करेंगे तो भैया हमारे पास आंसर आ जाएगा -6, यही आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला है 6 9 18 45 और डैश, उस श्रृंखला को पूरा करें, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो है क्या चल रहा आपका, इसमें चल रहा कि सबसे पहले 6 जो है इसमें गुणा किया गया है 1.5 का, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 9, फिर आपका 9 में गुणा किया गया है 2 का, तो आंसर आ जाएगा 18, और 18 में गुणा किया गया है आपका फिर किसका, ढाई का, किसका 2.5 का, तो आंसर आ जाएगा 45, और 45 में जो है वो गुणा होगा किसका 3 का, तो आंसर आ जाएगा किसका 135, यही आपका लास्ट आंसर फाइनल आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक एक दो चार सात 11 16 और 10, लुप्त संख्या चुनकर पूरा कीजिए, तो आपको जी सब में से जो है करना है, तो देखिए इसमें क्या क्या डिफरेंस चल रहा, इनका डिफरेंस 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, तो अगला 6 होगा, तो जी आंसर आ जाएगा इधर 22, ठीक है, क्या आ जाएगा 22 आंसर आपका आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है देखिए कि लड़कों के एक स्तंभ में रिचर्ड आगे से 15वां है, उसके आगे जितने लड़के थे उससे 3 गुने लड़के उसके पीछे थे, रिचर्ड और उस स्तंभ के पीछे सिरे से 7 लड़के के बीच में कितने लड़के हैं। देखिए सबसे पहले जो स्तंभ है, स्तंभ मतलब ऐसा, तो सबसे पहले यानी आगे से 15वां है, तो उसके आगे कितने खड़े, जब रिचर्ड 15वां है तो आगे खड़े होंगे 14 लोग, ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जिसके उतने जितने आगे खड़े हैं उसके 3 गुना लड़के उसके पीछे हैं, 14 से 42 लोग पीछे खड़े हैं, ठीक है, तो भैया रिचर्ड के पीछे 42 हैं और रिचर्ड तक 15 हैं, तो टोटल कितने लोग हो गए, तो 42 और 15, तो लाइन में टोटल हो गए कितने, 7 और 5 57, तो टोटल लाइन में लोग हैं 57, ठीक है, 57 लाइन है लोग हैं, आगे चलो रिचर्ड और उस स्तंभ के पीछे सिरे से 7वीं लड़की का, तो भैया 57 लड़कों में पीछे से अगर 7वां है तो आगे से क्या होगा, इसके लिए एक रूल है आपको पता है कि जितने लोग हैं पीछे से उसका नंबर 7 है उसको माइनस कर दो प्लस 1 कर दो, आप तो आ जाएगा 50 माइनस 1 1, मतलब 51वां है आगे से, याद रखना 51वां किससे है, आगे से उसका स्थान है, ठीक है। तो देखिए अब आप ये बताइए कि 57 लड़कों में, 57 लड़कों में रिचर्ड जो है 15वां है ना, और एक और लड़का है जो पीछे से 7वां है, वो आगे से कितना है 51वां है, तो इनके बीच की कितने लड़के खड़े हुए हैं जी बताइए, जैसे मैं आपसे कहूँ 7 और 8 7 और 12 के बीच कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे 7 से 8 9 10 11, 4 लोग हैं, कैसे 12 में से 7 घटाया 5 आया, 5 में से फिर 1 घटाएंगे तो फिर 1 घटाना पड़ेगा, तो 4 आ गया,
और करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 8 और 19 के बीच कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये लोग हैं, कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 लोग हैं इनके बीच में। कैसे आया, 19 में से 8 घटाए तो कितना आया, 1 मिनट। तो दोस्तों इनमें एक लाइन जो है, एक लाइन ज्यादा खिंच गई है, क्योंकि इनके बीच में कितने लोग हैं, अब देखिए इनके लोग, इनके बीच में जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 लोग हैं। कैसे आया, 19 में से 18 घटाएंगे, अगर हम 19 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास आ रहा कितना, 11, और 11 - 1 10 हो जाएगा। बस ऐसे ही हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि 51 में से 15 घटाएंगे तो आ रहा हमारे पास 36, इसमें से -1 और करेंगे तो 35 आएगा, इनके बीच में 35 लोग उपस्थित हैं। अगला है एक विषम संख्या ज्ञात करें, तो भैया एक विषम संख्या में क्या क्या है अपने पास, 2, 9, 28, 65, 126, 217 और 295, इनके बीच में एक विषम संख्या ज्ञात करनी है, तो उसकी एक, इसका सही होगा क्या, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 2 है ना, जो 2, ठीक है, तो 2 कैसे आ रहा, जी आ रहा है 1 की घात 3 + 1, जो 9 है, जी पूरे व्यापम के क्वेश्चन है, याद रखना। 9 कैसे आ रहा है, 9 आ रहा है 2 की घात 3 + 1। जैसे अब आ रहा है आपका 28 कैसे आ रहा है, जी आ रहा है 3 की घात 3 + 1, है ना। अब आपका इसी अनुसार अगर आप चलेंगे तो जो है आपका जो 65 कैसे आएगा, जी आएगा आपका 4 की घात 3 + 1, सही है। अब आपका 126 कैसे आएगा, जी देखिए जी आ जाएगा आपका 5 की घात 3 + 1, और अब 217 कैसे आ जाएगा, जी आ जाएगा 6 की घात 3 + 1, लेकिन अब जो है आना था क्या, 7 की घात 3 + 1 में आपका आना था 296, लेकिन आ रहा है आपका 295। यही जो है आपका सही उत्तर है, यानी विषम संख्या है, ये जो विषम संख्या है 295, ठीक है। अब अगला है, रिक्शा को PMQJ से कूर्दित किया जाता है, तो बाइसिकल को कैसे कूर्दित किया जाएगा, भैया इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो है सबसे पहले, इसमें जो है -2 और +2 की सीरीज चल रही है, -2 + 2, यानी अगर रिक्शा है, जैसे रिक्शा आपने ले लिया, तो आर में से -2 करेंगे तो पी पर पहुंचेंगे, और फिर जैसे रिक्शा में आई है तो उसमें +2 करेंगे तो के पर पहुंचेंगे। बस कुछ नहीं है, ऐसी बाइसिकल में करना है आपको, बाइसिकल में से -2 करेंगे आप तो आप जेड पर पहुंचेंगे, और आई में +2 करेंगे तो आप की पर पहुंचेंगे। तो इस अनुसार आपका जी आंसर आ जाएगा, आप कर भी करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो में मैंने इतने ही क्वेश्चन कवर किए हैं।